नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान में मौसम बदलने के साथ ही अब हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। बीते दो दिनों से दिन और रात के तापमान में गिरावट के साथ ही गर्मी का असर कम होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, कोटा व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आज भी बादल छाए रहने व कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। उदयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर 15 अक्टूबर को भी जारी रहने की पूरी संभावना है। 16 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिमी व उत्तरी भागों में मौसमी आगामी दिनों में शुष्क बना रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में पेपर रद्द करने की मांग लगातार तेज हो रही है, तो वहीं अब दूसरी ओर इस भर्ती में और भी कई परतें खुलती जा रही है। मामले में एसओजी ने अब तक करीब 50 से ज्यादा गिरफ्तारी कर चुकी है, तो वहीं अब एसओजी की रडार पर आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे 56 ट्रेनी एसआई की सूची सामने आने की से हड़कंप मच गया है। एसओजी की ओर से जल्द ही इन ट्रेनी एसआई से पूछताछ कर गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के नेतृत्व में जुआ सट्टा व ऑनलाइन गेमलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गांधीनगर इलाके में दो अलग अलग कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन सट्टा की खाई वाली करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 3,720 रुपए नगद जबकि 4.84 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद हुआ है। इस संबंध में दोनों युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा, आईटी एक्ट व आरपीजीओ के तहत अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बीती रात एसआई संतोष के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार टीम अलग अलग विभाजित कर जंक्शन थाना क्षेत्र में रवाना की गई थी। प्राचीन गेटेश्वर मंदिर गेटोर की छत्रिया जयपुर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उपशाखा जयपुर पूर्व के चुनाव संपन्न हुए। सहायक चुनाव अधिकारी दूलीचंद शर्मा ने बताया कि संगठन के विधान अनुसार चुनाव अधिकारी एवं प्रदेश मुख्य महामंत्री नवीन कुमार शर्मा एवं पर्यवेक्षक एनपी मिश्रा की उपस्थिति में चुनाव संपन्न कराए गए हैं। सरोज मीणा अध्यक्ष, हेमंत कुमार जांगिड़ मंत्री, दीपक खांडा कोषाध्यक्ष, डेजी तिवारी सभाध्यक्ष, गुंजन भामू महिला मंत्री, रेणु माहूर महिला संगठन मंत्री के पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुई है। प्रवक्ता मुकेश मीणा ने नवगठित कार्यकारिणी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर जयपुर के एक निजी होटल में मानक महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीआईएस राजस्थान निदेशक एवं प्रमुख कनिका कालिया ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो प्रयास करता है कि मानक गुणवत्ता की अलग देश के कोने कोने तक पहुंचे। इससे पहले उदयपुर और अलवर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके साथ ही कनिका कालिया ने बताया कि ब्यूरो द्वारा इस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें उपभोक्ता खुद मानकों की जाँच कर फर्जीवाड़े से बच सकती है। भाजपा शासन में बढ़ती बेरोजगारी और नशे के कारोबार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नौकरी दो नशा नहीं राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश यूथ कांग्रेस भी 16 अक्टूबर से राजस्थान के सभी जिलों और तहसीलों में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अभियान शुरू करने जा रहा है। राजस्थान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने बताया कि कांग्रेस देश भर में ये अभियान चला रही है। भाजपा राज में केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया है और राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों में युवा नशे की गिरफ्त में फंसे जा रहे हैं। इसलिए युवाओं को इस गिरफ्त से बचाने के लिए कांग्रेस के साथ ही यूथ कांग्रेस भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकेगी वसूली। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश देते हुए कहा कि सेवाकाल में वेतन के रूप में किए गए अधिक भुगतान की सेवानिवृत्ति के बाद वसूली नहीं की जा सकेगी। नियमानुसार वेतनमान संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारी की गलती नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति बाद वसूली गलत है। साथ ही वसूली आदेश रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को बकाया परिलाभ का 3 माह में भुगतान करने के आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान उद्धव ठाकरे मुंबई के रिलायंस अस्पताल में भर्ती हैं। मिली जानकारी के अनुसार उनकी तबीयत सुबह बिगड़ गई थी और उन्हें काफी बेचैनी हो रही थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उनके हार्ट की जांच की और एंजियोप्लास्टी का फैसला किया। उनके हार्ट में ब्लॉकेज की शिकायत मिली जिसकी वजह से डॉक्टरों ने आज ही एंजियोप्लास्टी कर दी। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद रही। महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हार के साथ ही अब भारत की सेमीफाइनल की आस धूमिल होती जा रही है। रविवार शाम खेले गए मुकाबले में
ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 152 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन भारत निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 142 रन ही बना सकी। इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारत अभी भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में पाकिस्तान जीत हासिल करती है तो ऐसे में भारत की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही अब बीजेपी दिल्ली की आप सरकार को सोशल मीडिया पर जमकर घेर रही है। इस समय बीजेपी द्वारा आप पार्टी की सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार हमलावर हो रही है, जिसके बाद आप पार्टी की विधानसभा चुनाव से पहले मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।